आज भीग रहे हैं, माफी मांगते हुए आ रहा हूँ। जनता आ गई है बारिश में भी, तो क्या करें। ये जनता जिंदाबाद, ये दिखाइए इधर, दिखाई इधर पांडे जी, इधर कम लोग हैं लेकिन आ गए हैं भीगते हुए, तो इनसे बात करेंगे ना भाई, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे केजरीवाल साहब हर काम में जो उनके हाथ में नहीं होता वो उसमें कह देते कि LG साहब जिम्मेवार है। केजरीवाल साहब ने एक वादा करा था कि 300 झीलें बनाएंगे, आज तो दिल्ली की हर गली झील बन गई। इसके लिए PWD मंत्री जी के घर में, आतिशी जी के घर में खुद में पानी भर गया। आप बताइए, जिनके मंत्री हैं उनके खुद के घर में पानी भरा हुआ है, वो क्या दिल्ली को साफ करेंगे। कहते थे कि 2019 में मिलकर के डुबकी लगाएंगे, फिर कह रहे कि चलो कोई बात नहीं 2 साल और दे दो। कौन है जिम्मेदार? केजरीवाल जी जिम्मेदार है। अब तो उन्हें जिम्मेदार जो दिल्ली में पानी भर रहा है, जिम्मेदार कौन है? नहीं बोलोगे तो काहे भीग रहे हो फिर, जाओ उसमें। हाँ हाँ, इधर इधर आ रहा हूँ रमनीश भाई। बहाना है कि 40 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, और दुखद यह है कि नेताओं के मंत्रियों के घर डूब गए हैं तो चर्चा हो रही है। 2 साल पहले आपको याद होगा दिल्ली में बारिश अंत में हुई थी, सितंबर अक्टूबर के महीने में। दिल्ली की जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, मावर इनक्लेव ले लीजिए आप या कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी ले लीजिए, वहां पे फर्स्ट भरा हुआ है। परविंदर जी सब आ रहा, अभी आऊंगा, अभी आ रहा हूं, अभी आज भीगना है, आज तैयार रहो भीगना। हाँ बताइए। अब ये देखिए, सब कह रहे हैं लंदन बनाने निकले थे। नहीं, ये वाकई चिंता का विषय है और सबके लिए विषय है। पेरिस बोल रहे थे, पेरिस बनाएंगे ये दिल्ली को, पेरिस बनाएंगे ये दिल्ली, पेरिस बन गया। हर जगह, हर नाले, हर गली, हर सड़क पे पानी पानी। ITO में कल मेरी गाड़ी तैर रही थी, ये क्या है? कम से कम तो नाली को सफाई करना चाहिए। कौन करेंगे? जो यहाँ की सरकार है। मैं सीधी बात जानता हूँ, यहाँ की सरकार है, सरकार को जवाब दीजिए। आ रहा हूँ। देखिए, ये जो जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज्यादा बारिश, 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आप कुछ हिस्सों को देख रहे हैं, जो हिस्से नीचे हैं उनमें पानी भर गया, उनके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है और काम हो रहा है। नाली ओली साफ करो ना भैया, काहे नहीं कर रहे? MCD सब लंबा टाइम दो। देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये DSIDC के नाले साफ नहीं होते। झुग्गियों में आप चले जाइए, जब निगम में इनकी सरकार नहीं भी थी लेकिन वो काम बिगड़ी हुई है। देखिए ज्ञानेंद्र जी, जो ये बेशर्मी वाला वक्तव्य है, एक्ट ऑफ गॉड है कि ज्यादा बारिश हो गई। अरे 20,000 से ज्यादा नालियां उनकी हर साल सफाइयां होती थी, वो कहां है पिछले 9 सालों से? केजरीवाल अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा देश के सभी लोगों को प्राकृतिक आपदा जो आ रही है उसके लिए मैं सब गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रकट करता हूँ। उसके बाद दूसरी बात, दिल्ली की आम जनता है बेहाल, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल जो है प्रचार में व्यस्त है, हमारे CM केजरीवाल। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ, पहले CM केजरीवाल शराब में मग्न थे, दिल्ली जो है मग्न था शराब में, मग्न था, आज भ्रष्टाचार में मग्न था। CD में बहुत दिन BJP भी तो रही, भ्रष्टाचार में पहले मग्न था। केजरीवाल साहब के लिए कहना चाहूंगा कि केजरीवाल साहब के लिए दिल्ली का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। भाई साहब, आज दिल्ली के हर घर में पानी भर गया है, हर गलियों में पानी भर गया है। कौन है जिम्मेदार? क्या लग रहा है दिल्ली की जो स्थिति बनी है? ऑटो चलाते हैं आप? कहाँ कहाँ ऑटो फंस गया था आपका दिल्ली में? पहाड़गंज में, हर जगह, सारी जगह। तो अभी बारिश हो रही है तो सवारी मिलते हैं तो मना करना पड़ता है क्या? नहीं जाएंगे? मना ही करना पड़ेगा जब ट्रैफिक इतना लगा पड़ा है। हाँ। पानी इतना भर रखा है, अब हमारा टाइम बर्बाद होता है, इतना पैसा नहीं मिलता ना। हाँ। क्या करें, काम हो नहीं रहा इतना। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार क्या, जिम्मेदार कोई, किसको ठहराओगे बारिश में? किसको जिम्मेदार ठहराओगे? किसी की सरकार की गलती थोड़ी नहीं है। सरकार की गलती नहीं आपको लगता है? नाला वाला सफाई करते, पानी जमा नहीं होता तो नहीं होता कि ये NDMC वाली के MC निकालना चाहिए। वो गाद तो निकालते नहीं है, अगर नाले के गाद सारे अगर निकल जाए तो जरा भी जाम नहीं हो सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।